क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर इफ हाफ ऑफ इट इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर. एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का आधा पार्ट आपने ब्लैक पेपर से कन्वर्ट रैप कर दिया. ये कॉनकेव मिरर का पूरा एपर्चर, इसका आधा पार्ट आपने ब्लैक कर दिया या पेपर लगा दिया इसके ऊपर. अब इससे जो भी इमेज बन रही है, चाहे वो रियल है, वर्चुअल है, कहीं भी बन रही है, उस इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उस इमेज पर अगर मिरर को आधा ब्लैक कर दिया जाए या आधा तोड़ के निकाल दिया जाए या आधा ढक दिया जाए तो इमेज. कौन आंसर बता सकता है? रेज योर हैंड्स. क्या इफेक्ट पड़ेगा इमेज पर? रेज योर हैंड्स. कौन बता सकता है? इमेज जो होगी वो आधी हो जाए, मतलब इमेज जो होगा उसकी साइज जो होगा वो एज इट इज रहेगा. फिर से बताइए कि इमेज जो होगा लेकिन उसका साइज. इमेज तो पूरी बनेगी. ठीक है, बस इमेज पूरी बनेगी. हाँ, कोई चेंज नहीं आएगा. जो मिरर होगा, मिरर को ही तो ब्लैक कलर से पेंट किया है, तो जो इमेज बनेगी वो तो पूरी बनेगी, उसमें तो कोई वो ही नहीं होगा. अच्छा, कोई और इफेक्ट नहीं पड़ेगा इमेज पर? इमेज का साइज छोटा हो जाएगा. साइज छोटा हो जाएगा, इसका मतलब वो तो चेंज हो गई इमेज पे. नहीं सर, आप ये कहना चाहती हैं कि इमेज का थोड़ा साइज कम हो जाएगा लेकिन इमेज बनेगी पूरी ही. हाँ. मतलब किसी पर्सन की इमेज बन रही है तो वो उसका सिर भी पैर भी पूरे बनेंगे लेकिन थोड़ा साइज में छोटा हो जाएगा. नहीं, मेरे हिसाब से. हाँ बताइए. जीते रहा, उसकी जो हाइट है वो उतनी ही रहेगी. अच्छा, बस. ठीक है, आप बताइए क्या कहना चाह रहे सर. जो मिरर है उसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से कवर किया है या नीचे से? सवाल ये पैदा होता है कि मिरर को प्रिंसिपल एक्सिस का अपर हाफ कवर किया गया, लोअर हाफ कवर किया गया. यस सर. यानी लोअर हाफ कवर किया गया होगा तो क्या होगा? अच्छा, दोनों कंडीशन बता दीजिए आप. सर, अगर हाफ में तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए. कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर लोअर हाफ कवर किया है. और अगर अपर हाफ कवर कर दिया तो इमेज गायब हो जाएगी क्योंकि रेस के लिए जगह ही नहीं बचेगी. ओके, बैठिए. किसी और को कोई और इसमें कंफ्यूजन? हाँ जी, आप सब में से किसको ये लगता है कि मिरर का कौन सा हाफ कवर किया गया, इस पर डिपेंड करेगा. मिरर है ये मिरर और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस. किस किस को ऐसा लगता है कि लोअर हाफ कवर करने पर कुछ और इफेक्ट आएगा, अपर हाफ कवर करने पर कुछ और इफेक्ट आएगा, साइड का हाफ कवर करने से कुछ और इफेक्ट आएगा? किसको लगता है? इमेज बनेगी लेकिन दिखेगी नहीं. आप योगिता कह रही हैं इमेज बनेगी लेकिन दिखेगी नहीं. आप सब इस बात पर एग्री हैं कि डिपेंड करता है कहां से मिरर को ब्लैक किया गया. रॉबिन, यही कहना चाहते हो आप? फिर से बोल दो आप जरा, क्या कहना चाहते हो आप? हाँ बोलिए सर. हम मनप्रीत की बात से एग्री हैं. अमनप्रीत से एग्री है कि डिपेंड करता है कि कहां से कितना हाफ उसको कवर किया गया है. यस सर. इस पर डिपेंड करेगा इमेज पर पड़ने वाला इफेक्ट. हाँ जी, कौन एग्री है कि इमेज नहीं बनेगी? इमेज नहीं बनेगी इस बात पर रेज योर हैंड्स. कौन कौन एग्री है? कौन इस पर एग्री है कि इमेज ही नहीं बनेगी? ओके. अच्छा, शाह कमर कह रहे हैं कि इमेज का वो पार्ट कट जाएगा जहां ब्लैक पेंट आ रहा है. इसका मीनिंग ये हुआ, आप सबको बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. आप सभी को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आप सभी को. अब ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लीजिए. और अगर आप ध्यान से सीखते चलेंगे, समझते चलेंगे, तो इन क्वेश्चंस को करने का आपको केवल 12th लेवल पर नहीं, आपको आगे कंपटीशन लेवल्स पर या उससे बियॉन्ड भी बहुत फायदा मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा इन क्वेश्चंस को करने का. छोटा सा एक नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसमें भी लगभग आप सभी को कंफ्यूजन है. लगभग क्या, ऑलमोस्ट 100% आप सबको कंफ्यूजन है. अब ध्यान से देखिएगा कि क्या एक्चुअल में क्या है. हम एक मिरर से इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं. कौन सा मिरर लूं मैं बताओ, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव मिरर मैंने लिया क्योंकि कॉनकेव की बात करी गई है. यह आपका कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ सी. मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर इस ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, करेक्ट?
एक लाइट रे चली, इंसिडेंट हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू फोकस। दूसरी लाइट रे इंसिडेंट हुई थ्रू फोकस पॉइंट, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में मीट कर रही हैं, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज और ऑब्जेक्ट, करेक्ट। अब सवाल ये होता है कि अगर नीचे का पार्ट इसको हमने ब्लैक कर दिया तो ये वाली मिरर को रिफ्लेक्शन के लिए मिरर नहीं मिल पाएगा, अगर ऊपर का पार्ट इसको आधा रिफ्लेक्ट कर दिया, पेंट कर दिया, तो उस वाली पहली वाली रे का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। दोनों ही केस में इमेज नहीं बनेगी, दोनों ही केस में इमेज नहीं बनेगी, अपर पार्ट कर दो चाहे लोअर पार्ट कर दो, दोनों ही केस में इमेज नहीं बनेगी, ऐसा लगता है हमें, जबकि ऐसा है नहीं। इमेज बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम दो लाइट रेज लेनी होती है, वो लाइट रेज जिनके रिफ्लेक्शन के रूल्स हम आसानी से समझ रहे हैं। तीन हमारे रूल्स हैं, इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस, इंसिडेंट थ्रू फोकस, रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इनसाइड इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड, ठीक है। इन तीन में से कम से कम दो लॉ हम ले लेते हैं, दो रूल्स हम ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऑब्जेक्ट से न्यूमरस वेव्स हैं, हजारों लाखों करोड़ों वेव्स हैं जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के इमेज फॉर्मेशन कर रही है। कैसे कर रही है? ये जो दो लाइट रेज हैं, ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिए हुए, ये दोनों लाइट रेज हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ली हुई, जो हम जानते हैं, जिसे हम समझते हैं। लेकिन इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ये भी चल रही होगी, एक लाइट रे यहाँ भी चल रही होगी, एक लाइट रे यहाँ भी चल रही होगी, एक लाइट रे यहाँ भी, एक लाइट रे यहाँ भी चल रही होगी, एक लाइट रे यहाँ भी चल रही होगी, कितनी करोड़ों बना दूं मैं यहाँ। और ये सारी की सारी लाइट रेज अल्टीमेटली कहाँ मिल रही है? सारी की सारी लाइट रेज मिल रही है कहाँ? आपके इमेज के हेड पर सारी लाइट रेज यही मिल रही है। इनमें से केवल दो लाइट रेज को हम लेते हैं जिन्हें हमें समझना आसान है, इतनी सारी लाइट को लेने का मतलब भी नहीं है कुछ, इतनी सारी लाइट रेज को लेने से कोई फायदा भी नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैंने नीचे का पोर्शन ये ढक दिया तो ये ढेर सारी लाइट रेज अभी भी हैं जो इमेज के इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, इमेज बनी ही रहेगी, बिल्कुल वहीं की वहीं बनी रहेगी जहां है, उतना ही साइज का रहेगा जितना साइज का मेरे पहले बन रही थी। अगर मैंने अपर पार्ट रोक दिया तो देखिए ध्यान से, ये नीचे से चलने वाली सारी की सारी लाइट रेज, ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर अब भी इमेज पार्ट बना रही है, फॉर्म कर रही है, इमेज वहीं की वहीं रहेगी, बस एक चेंज आएगा, थोड़ा सा एक चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? कि अगर आपने लोअर हाफ कर दिया तो आपने नीचे वाली लाइट रेज को काट दिया, अब इमेज तक पहुंचने वाली लाइट रेज कम हो गई, ऊपर वाले को ब्लैक पेंट कर दिया तो ऊपर वाली लाइट रेज को काट दिया तो भी कम हो गई, सिर्फ एक इफेक्ट पड़ेगा, क्या? इमेज की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ना इसका साइज चेंज होगा, ना पोजीशन चेंज होगी, ना इसका नेचर चेंज होगा, पोजीशन साइज नेचर। देखिए ध्यान से आप, ये मिरर है, इसका एक सर्टेन फोकल लेंथ है, सर्टेन सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर आप इसको आधा ले लें तो बाकी बचा हुआ मिरर का फोकस पॉइंट, बाकी मिरर का भी सब कुछ वही का वही है, ना फोकल लेंथ बदली, ना रेडियस ऑफ कर्वेचर बदला, तो मिरर इमेज क्यों बदलेगी? नहीं बदलेगी, वही की वही रहनी है। सिंपली अगर आप मिरर का कोई पार्ट काट देते हैं या ब्लैक पेंट कर देते हैं तो आपने एक चेंज करा है, मिरर का साइज छोटा कर दिया, एपर्चर छोटा कर दिया, ये इतना बड़ा मिरर था आपने नीचे से काट दिया, अब मिरर आपका छोटा रह गया। आपके घर में इतना बड़ा शीशा लगा हुआ है, लुकिंग ग्लास, ड्रेसिंग टेबल पर, टूट गया, इतने इतने से पीस हो गए, अब वो इतना से पीस के आपको दिखाने पर मना कर देगा चेहरा दिखाने से? अब भी दिखाई देगा, वही दिखाई देगा, वही का वही दिखाई देगा, सब कुछ वैसा का वैसे। तो जब भी ये क्वेश्चन आपका आए कि मिरर को ब्लैक पेंट कर दिया या मिरर को काट दिया
या लेंस को ब्लैक ब्लैक पेंट कर दिया, डजंट मैटर कि कहां से किया है आपने। क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है कि बीच में से ब्लैक पेंट कर दिया, किनारे छोड़ दिया, अब बताओ क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना फोकल लेंथ बदली, ना रेडियस ऑफ कर्वेचर बदला, कुछ भी नहीं बदला। तो पोजीशन वही रहेगी, साइज वही रहेगा, नेचर वही रहेगा, सिंपल सी बात है, ब्राइटनेस कुछ कम हो जाएगी। ये मिरर है, बीच किनारे आपने इसके काट दिए, तो सिंपली आपने क्या काम करा, मिरर का साइज छोटा कर दिया, अब भी सारे वही रिफ्लेक्शन करेगा, वही सारे रूल्स होंगे, समझ आए कि बात? आगे भी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मिरर को या लेंस को अगर कहीं से कोई एक पार्ट अगर पेंट कर दिया जाए, काट दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, चाहे कहीं से भी कर दो, ये मिरर है आपका, इसके ऊपर पट्टियां पट्टियां बना दो आप, क्या कर दो, एक ब्लैक पट्टी फिर बीच में छोड़ा, फिर ब्लैक पट्टी फिर छोड़ा, फिर जेब्रा बना दो इसके ऊपर, जेब्रा डिजाइन बना दो इसके ऊपर, अब भी वही के वही रहेगा सब कुछ बात। जहां आपका ब्लैक हो गया वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो रिफ्लेक्शन अब भी क्रिएट करेगा, रिफ्रैक्शन भी करेगा अगर लेंस है, तो इमेज भी वही की वही बनेगी, वैसी की वैसी बनेगी, जो की त्यों बनेगी। क्लियर है?